जब तक कोई चीज अर्जेंट नहीं होती तब तक हम अपने आप को उसके लिए एडजस्ट नहीं करते, हम अर्जेंसी में रिएक्ट करते हैं। एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं, शेर आराम से पड़ा हुआ है पर जैसे ही वो देखेगा ना शिकार को वो एकदम से दौड़ेगा भागेगा अपना, ही विल गिव हिज लेवल बेस्ट सो एज टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो यही हम लोग भी कर रहे होते हैं। तो दोस्तों वैसे तो टाइम मैनेजमेंट अगर मैं करूंगी तो मेरा मेरे लिए चलेगा, तुम्हारे लिए तुम्हारा चलेगा, वो तुम्हारे ऊपर है। बट आई विल जस्ट फॉर द यू नो मोस्ट सॉर्ट आउट ऑफ माई नॉलेज जो मैं टाइम टेबल अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ या कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए इसका अगर मैं जवाब आपको दूँ दोस्तों, तो अप्रोक्सीमेटली मिनिमम टू मिनिमम अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट आईआईटी जैम, आई एम सेइंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इवन बोर्ड्स के अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको मिनिमम पढ़ना चाहिए 9 घंटा। अब देखो यार हमारी जो बॉडी, जैसे मैं कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हम वर्किंग हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो माइंड होता है वो हर मतलब हर इंसान का माइंड सेम है, चाहे आइंस्टीन हो चाहे मैं हूं चाहे आप हो या हर एक कोई है, जो हार्डवेयर है वो सबका सेम है पर जो सॉफ्टवेयर है दैट इज माइंड वो सबका अलग अलग होता है। अब ये जो ब्रेन की वर्किंग होती है इसको कनेक्ट करने के लिए जो सेल्स काम करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट करता है तो कनेक्ट करते करते ना वो थकता भी है। अब हम मशीन बन के नहीं काम कर सकते, वी आवर सेल्स नीड रेस्ट, जब तक हम रेस्ट नहीं देंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस हमारी पीक लेवल पे नहीं होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट होना चाहिए दोस्तों टाइम टेबल, वो मैं आपको एक बार हल्के से बता देती हूँ कि कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी द बेस्ट टाइम टेबल एंड व्हाट हाउ शुड यू वर्क अकॉर्डिंगली। तो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। सो देखो दोस्तों जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। सो जैसे देखो, सो जैसे मैंने आपको बताया कि कैसा टाइमिंग होना चाहिए, तो दोस्तों जो टाइम होना चाहिए वो है कि हमारे पास देखो बहुत सारे दिन है, मैंने आपको बोला कि आप 9 आवर्स में पढ़ाई करो, ठीक है, 9 आवर्स पर डे, एक दिन में 9 घंटा तो पढ़ने का, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ें, अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 आवर्स ईच, हमारे पास तीन टाइम है, सुबह दिन एंड रात, ठीक है, 3 आवर्स। अब इस 3 आवर्स को मैं कैसे सब डिवाइड कराऊंगी, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी साइकिल्स में। साइकिल्स में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, सिंपली जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ 50:10 का रेशियो, मतलब देखो यार तुम्हें ये तो समझना पड़ेगा कि जो न्यूरॉन्स हैं जब ये आपस में कनेक्ट करेंगे ना एक दूसरे से तो उस वक्त उनकी एनर्जी जाती है और एनर्जी जाती है तो उनको क्या है रेस्ट की भी जरूरत होती है, राइट। तो 50 मिनट्स तो हम स्टडी करेंगे और फिर 10 मिनट्स के लिए रेस्ट लेंगे। रेस्ट के टाइम पे आप पानी पियो, ब्रीदिंग करो, मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं, जो करना है करो। अब ये 50:10 के रेशियो को मल्टीप्लाई करो 3, तो ये हो जाते हैं आपके 3 आवर्स, ये एक साइकिल बन गया, दिस इज अ साइकिल, ओके। 50 मिनट्स पढ़ा, 10 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर ब्रेक के बाद फिर 50 मिनट्स पढ़ा, 10 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर 50 मिनट्स पढ़ा, 10 मिनट्स का ब्रेक लिया, 3 आवर्स आपके हो गए मॉर्निंग के, समझ लो। दूसरा क्या है, दूसरा फिर से इसी चीज को पूरे दिन में 3 बार रिपीट कर दो, 50:10, 50:10, 50:10, तो मल्टीप्लाई बाय, अब इससे मेरे को मिल गए पूरे 9 घंटे। 9 आवर्स में से मैंने 30 मिनट्स यहाँ पे रेस्ट करने में लिया एंड 30 × 3 यानी कि 90 मिनट्स, इसमें से मैंने 1.5 घंटा हटा दिया, 1.5 घंटा जो है 1.5 आवर मैंने क्या किया रेस्ट लेने में लगाया, तो 9 आवर्स माइनस 1.5 यानी कि कितना हो गया हमारा 7.5 घंटा अप्रोक्सीमेटली हमने स्टडी करी जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो दिस मच एफर्ट्स आर मोर देन इनफ फॉर यू टू यू नो टू बैंग ऑन एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बिकॉज रेस्ट चाहिए। और अगर आप सोचते हो हम लोग अक्सर क्यों फेल हो जाते हैं, बिकॉज हम रेस्ट नहीं लेते, हम पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं या रेस्ट करते हैं रेस्ट करते हैं रेस्ट करते हैं, मतलब हम या तो मशीन की तरह पढ़ते ही रहते विदाउट रेस्ट, और या फिर हम मशीन की मतलब बिल्कुल निष्क्रिय इंसान की तरह सिर्फ रेस्ट लेते रहते हैं, ये सबसे बेकार चीज है। इसी वजह से हम लोग पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो जो रेस्ट करने का टाइम है वो तुम्हें रखना पड़ेगा, रात को प्रॉपर मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप लो। एंड मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था 6 आवर की स्लीप कैसे लेने का, प्रॉपर 6 आवर की स्लीप का मतलब क्या हो गया दोस्तों, पूरे अंधेरे में यू नो
सटल लाइट भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी लाइट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको कल भी बताया था कि जो लाइट है वो हमारे ब्रेन को जागृत रखती है, मतलब ब्रेन को रेस्ट नहीं करवाती। तो अंधेरे में आपके पास है तो ब्लाइंडर्स लगवा सकते हो आप अपनी आईज के ऊपर, मतलब ब्लैक कलर का जो पट्टी होती है वैसा यूज कर सकते हो अगर आप हॉस्टल वगैरह में कहीं पे पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो अगर आप 50:10 को दिन में 9 बार कर लोगे ना, तो आपके पूरे 9 आवर्स की स्टडी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब तभी आपका टाइम को वो क्या होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। अब इस ब्रेक में, अब ये जो 50:10 हमने लिया, 50:10 50:10, तो उसके बीच में आप एक एक घंटे के नैप्स भी ले सकते हो आप चाहो तो। जैसे यहाँ पे आप 1 आवर का नैप ले लो, 3 घंटे के बाद जो एक और 3 घंटे और आप जब स्टडी करोगे, तो बीच में चाहे तो आप नैप ले सकते हो, सो सकते हो, जॉग पे जा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, ओके। आपको कुछ म्यूजिक पसंद है, आप म्यूजिक के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप टेम्पल्स जा सकते हो, आप पिकनिक्स या जहां पे भी आपको अच्छा लगे ये सब काम आप कर सकते हो। तो ये है एट प्रेजेंट कि कितना घंटा आपको पढ़ना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 9 आवर्स आर मोर देन इनफ टू बैंग ऑन एनी एग्जाम, ओके।